वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। तो आज का वीडियो जो है वो बालों से रिलेटेड है, क्योंकि फेस से रिलेटेड हम लोगों ने पहले काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग मेरे चैनल पर आके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो बालों पे रहेगा, तो वैसे मेरे आज के बाल थोड़े इग्नोर करना, क्योंकि शैम्पू के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ शैम्पू करने के बाद, और वो मैंने सेट वगैरह क्यों नहीं करे वो आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसी का आज काम है वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है कि अगर आपके बाल एकदम जो स्मूथनेस होती है बालों की वो ख़त्म हो चुकी है, आपके बाल की शाइन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अगर आपने अपने बालों को एकदम रफ बना लिया है, आपकी जो स्कैल्प वो एकदम ड्राई हो गई, आपके बाल एकदम ड्राई रहते हैं, अगर आप रोज़ प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हो, अपने बालों में जेल वगैरह वैक्स वगैरह लगाते हो, अगर हेयर ड्रायर वगैरह रोज़ यूज़ करते हो, तो उससे क्या होता है आपके बाल एकदम रफ हो जाते हैं, बिल्कुल एक फ्रिजी टाइप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हटाना कैसे है, मतलब मैं जो बताऊंगा उससे पहली बार में आपको सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, आपके बाल एकदम नेचुरल जो शाइन होती है वो नेचुरल शाइन आ जाएगी, बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएंगे, रिहाइड्रेट हो जाएंगे, जो आपकी ड्राई स्कैल्प रहेगी वो एकदम हाइड्रेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी तो वो वीडियो में वही बताऊँगा। तो फिलहाल आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो के बाद करना जो आपका भाई बताए। वो कह रहे थे कि हम लोगों ने ऑयल कर लिया, हम लोग रेगुलर शैम्पू भी करते हैं, हम लोग कंडीशनर भी करते हैं, तो इतने समय जो हमारा हेयर केयर रूटीन है वो ख़त्म हो गया। तो हाँ भाई, अगर आप रेगुलर ये सब चीज़ें करते हो तो वो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपने अपने बालों को पूरा बिगाड़ लिया है, आपके बाल पूरे डैमेज है, एकदम ड्राई फ्रिजी से रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, रिकवर करने के लिए इतना सा मतलब इतने से कुछ काम नहीं होगा, हम लोगों को थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा वो आपका भाई बताएगा। तो चलो फाइनली बता दे, तो आज के वीडियो में हम लोग करने क्या वाले, तो आज के इस वीडियो में आपका भाई बताएगा हेयर मास्क। हाँ, मतलब ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, जैसे हम लोग फेस मास्क करते हैं, ये उसी फैमिली से, ये उसी बिरादरी का है हेयर मास्क। तो आज के इस वीडियो में आपका भाई हेयर मास्क लगा के बताएगा कि हेयर मास्क से आखिर होता क्या है, हेयर मास्क लगाते क्यों, उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है। आपको हेयर मास्क का एक छोटा सा इंट्रो दे दूं कि हेयर मास्क आखिर चीज़ क्या है। तो देखो, हेयर मास्क जो है वो एक डीप कंडीशनिंग बोल सकते हो आप, जैसे हम लोग कंडीशनर वगैरह यूज़ करते हैं शैम्पू के बाद, तो वो इंस्टेंट कंडीशनिंग करता है हमारे बालों का, मतलब हम लोगों ने लगाया उसको एक आध मिनट रखते उसके बाद हम लोग वॉश कर लेते हैं, तो वो फटाफट वाला काम है। लेकिन हेयर मास्क की बात करें तो ये डीप कंडीशनिंग वाली चीज़ें जो आपके बालों को एकदम जड़ों तक, तो आपके बालों को ये सारी चीज़ें रिकवर करता है, रिपेयर करता है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर आपके बाल ड्राई है तो ये इसको रिहाइड्रेट करेगा, आपके बालों को स्मूथ करता है, एक्स्ट्रा शाइन देता है, अच्छे स्ट्रांग बनाता है आपके बालों को। साथ ही में अगर आपने अपने बालों को कलर वगैरह करा के रखे तो कलर वगैरह में बहुत सारे केमिकल्स वगैरह आते हैं जो आपके बालों को डैमेज करते हैं, तो साथ में इसको ये रिपेयर भी करेगा। तो हेयर मास्क का ये सारा काम रहता है, ये एक डीप कंडीशनिंग वाली चीज़ है। तो हेयर मास्क का हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। जो हेयर मास्क यूज़ करने वाले, सबसे पहले आपको हेयर मास्क बता दूँ, तो आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो ये है हमारा ट्राइकोन का ओनियन एंड आर्गन हेयर ग्रोथ मास्क। तो वैसे हमारे बालों के लिए जो सबसे अच्छा इन्ग्रीडियंट जो माना जाता है वो रहता है ओनियन, तो ये ओनियन इसमें है, और साथ में आर्गन ऑयल जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें हैं। साथ ही में सबसे इसकी अच्छी जो बात है वो है कि ये SLS एंड पैराबेन फ्री है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ कि वो प्रोडक्ट यूज़ करा करो जो ये दोनों केमिकल SLS और पैराबेन फ्री हो, तो ये भी एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। का जो अंदर जो फॉर्म है वो एक लिक्विड टाइप, एक जेली टाइप फॉर्म है, तो ये इस टाइप का लिक्विड और जेली टाइप फॉर्म है। तो मैं आपको इसको यूज़ करके बताता हूँ, इसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपको अपने बालों को शैम्पू करना है, कंडीशनर वगैरह आप नहीं करना चाहो तो मत करो, क्योंकि ये हो जाएगा तो कंडीशनर का काम हो जाएगा, लेकिन आपको अपने बालों को शैम्पू करना है, और शैम्पू करने के बाद आपको अपने बालों को पूरी तरह से सुखाना है, क्योंकि जो हेयर मास्क रहता है वो गीले बालों में कभी नहीं लगता है, वो सूखे बालों में ही लगता है। तो आप अपने बालों को पूरा नेचुरली ड्राई कर लो, ये मैं पहले सुखा चुका हूँ। उसके बाद आपको अपने बालों को कॉम्ब से पूरा ऐसा आगे कर लेना है। देखो, इसको आपको पूरा ऐसा मतलब हाथ में लेके पूरा ऐसा मसल के ऐसा नहीं लगाना है, ये इसका गलत तरीका है। आपको क्या करना है, अपने बालों में मतलब थोड़ा थोड़ा लेके अपने एक एक दो दो ऐसे बंडल्स बना के आपको लगाना है, जिससे क्या है कि आपके पूरे बाल में हर बाल को मतलब ये मिल जाएगा, तो सारे बालों में आपको ऐसे कर करके लगाना है। अब लगाना कैसे वह मैं बताता हूँ।
भी अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है, आपको भी इसी तरह से अपने बालों पे अप्लाई कर लेना है। और उसके पैकेट के अंदर ये एक और चीज़ थी जिसको शावर कैप बोलते हैं, तो इसको लगाने के बाद आप इसको सिंपली इस टाइप से इसको पहन सकते हो, ताकि आप इसको पहन के कुछ काम वगैरह भी कर सकते हो अपना। बढ़िया चीज़ है, इसके अंदर ही मिलती है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ेगी। तो इस टाइप से आपको इसको पहन लेना है, इससे आप इस पे डस्ट वगैरह भी लगेगी और ये इसका काम होते रहेगा। तो वैसे पैकेट पे लिखा है कि इसको 20 से 30 मिनट तक आपको रखना है, तो वैसे मेरे हिसाब से इसको 20 से 30 मिनट ही रखना पड़ता है, क्योंकि ये डीप क्लिनजिंग वाली चीज़ है, ये इंस्टेंट वाली चीज़ नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 20 मिनट रख सकते हो, तो फिलहाल मैं इसको 20 मिनट अच्छे से रखता हूँ, उसके बाद मैं वापस आता हूँ। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, भाई पूरे 20 मिनट हो गए हैं, अच्छे से अपना इसको इसका काम इसने कर लिया होगा, चिप सा लग रहा है, बाल एकदम चम्पू चम्पू से हो गए। तो अब टाइम है इसको धोने का, तो इसको धो के आता हूँ मैं, और साथ में इसको भी धो लेना अगर आप इसको खरीदते हो तो चलो मैं इसको धो के आता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अच्छे से पूरे वॉश करके आ चुका हूँ। अब देखो ये जो बालों का है ना, ये आपको आप इसे देख के पता नहीं लगा पाओगे कि पहले मेरे बाल कैसे थे और अब कैसे हो गए, लेकिन जब मैं इसको फील कर रहा हूँ, जब मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो मेरे बालों को इसने काफ़ी सॉफ्ट बना दिया है, काफ़ी स्मूथ बना दिया है। मेरे बालों में जो फ्रिजीनेस थी वो इसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। मतलब अपन जब बालों में जब ऑयल नहीं लगाते और वो एकदम ऐसे अजीब से जो बाल दिखते हैं वो अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। और सबसे अच्छी बात है कि ये अपने बालों को मतलब शाइन लाता है, ऑयली टाइप बनाता है, लेकिन दिखता है ऑयली टाइप के अपने बालों में कुछ लगा हुआ है, लेकिन जब अपन उसको फील करते हैं तो बिल्कुल भी स्टिकी स्टिकी चिपचिप नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और जो इसकी हेयर ग्रोथ की बात है वो तो मैं आपको वन टाइम यूज़ में नहीं बता सकता हूँ, अभी के अभी थोड़े ना बाल बढ़ जाएंगे, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अगर आपको ये हेयर मास्क बाय करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, आप इसको चेक कर सकते हो, इसकी आपको प्राइस वगैरह सूट हो तो आप इसको खरीद सकते हो, या आप कोई और दूसरा हेयर मास्क भी खरीद सकते हो। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, इसी टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। मैंने मेरे एनालिटिक्स में देखा है कि आधे लोग मेरे वीडियोज़ देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर दो, पैसा थोड़ा ना लग रहा है, और नीचे जो लाइक का बटन है उसको ठोक ठोक के एकदम नीला कर दो, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक तत्तड़ तत्तड़ तत्तड़, चलो टेक।